है वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज हम तोतिंग साब डिवीजन से हैं। तो नुबंग बुरंग जी अपर सियांग इंक्योंग हेड क्वार्टर से सफर करके यहाँ तोतिंग साब डिवीजन में रिसेप्शन है। तो कल रिसेप्शन होगा रिसिंग ब्लेस में। तोतिंग से 1 किलोमीटर सफर करेगा, तो उनकी मीटिंग को दिखाने के लिए आप सबको। और वीडियो को अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए, आप सबका मदद चाहिए। और तो चलते बुरंग साहब क्या बोलते हैं कल को। चाहिए तो चाहिए, 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 च
ऑर्गेनाइज करने के लिए ये पार्टी को सब चीज को वहाँ आना गाना किया, किसी का बात भी सुना, होस्ट को भी हमारा पीपीए के पार्टी का तरफ मैं प्रेसिडेंट की ओर से मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक ये खुशी का बात ये है हमारा यहाँ पर कि बहुत सा आदमी यहाँ पर ज्वाइन हुआ है और इसको हमारा कैंडिडेट साहब मालूम होंगे और हमारे अभी पंचायत लीडर और भी कुछ है आएंगे, उनकी खबर मिला है हमको। आज हमारे इस चुनाव सभा में आए
तमाम तूतिंग और पाइंडेम मीगिंग सर्कल वहां से आए हमारे भाइयों और बहनों और कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले मेरा ओर से आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शांति रहिए, शांति से ही हम लोगों का दिल जीत सकते हैं और शांति से ही यही एकमात्र समाज को सेवा कर सकते हैं। आप जानते हैं मैं कई बार आए यहाँ पे और आपको संबोधित किया, जब से चुनाव का हवा आया तब से आप लोगों ने मेरा विरोधी नोबेंग बोरांग को खरीदा जाएगा, किसी ने कहा नोबेंग बोरांग सरेंडर हो गया, लेकिन आज आपने देखा हकीकत क्या है। इसलिए चुनाव में किसी का बात से, किसी का प्रसार से विश्वास करना कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप अपना दिल से विश्वास नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक किसी का बात सच मानना कोई जरूरत नहीं है। हकीकत यह है मैं आज मैदान में उतर गया। दोस्तों, हमें नेता बनकर क्या करना है? आपका नेता बनकर हमें क्या करना है आप बताइए। समाज में क्या क्या समस्याएं हैं, तकलीफ क्या है लोगों का तकलीफ क्या है, इसे समझना होगा। मैं आज इस बार मेरा ये पहला कदम है राजनीति में, इस राज्य की राजनीति में मेरा ये पहला कदम है। मुझे विश्वास है और मुझे आपसे पूरा विश्वास है, लोगों से पूरा विश्वास है कि इस बार लोग अपना सोच को बदल लिया, लोग परिवर्तन की ओर चल पड़ी है। दोस्तों, मुझे मालूम है तूतिंग एक ऐसा सब डिविजन है, लेकिन लोगों का डेली जो रिक्वायरमेंट है, दैनिक जो आवश्यकता है, यह है बिजली और पानी होती है। आप चाहे जितना भी करोड़पति हो, आप चाहे जितना भी धन दौलत हो, जब तक बिजली और पानी नहीं रहेंगे तब तक आपका लाइफ जो है, आपका जीवन जो है अधूरा हो जाएगा। इसीलिए आप संघर्ष किया है, कितना बार इसके लिए आप लोग आवाज उठाया है, ये ना तो प्रशासन से ध्यान दिया ना तो नेता ने ध्यान दिया, इसलिए इस संकट पे आप आज तक जूझ रहे हैं। इसलिए मैं आपका सामने आश्वासन देना चाहता हूँ, मैं जब जिस दिन मुझे इस पद पर बैठाएंगे उसी दिन से मैं इस समस्या का समाधान खोजने का कोशिश कर लूंगा। आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने सुना पैसा तो दिया लेकिन उसका कोई फीडबैक नहीं है, ऐसा होते हैं, इसलिए आप इससे निश्चिंत रहिए, मैं इससे समाधान खोल लूंगा। उसके बाद हमारा यहाँ हेल्थ का जो सेक्टर है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ से छोटा छोटा बीमारियों के लिए इनकम बेचना पड़ता है या तो ईटानगर या डिब्रूगढ़ पासीघाट बेचना पड़ता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आवश्यकता है यहाँ पे। हमारा वर्तमान का मंत्री खुद हेल्थ मिनिस्टर है, लेकिन मुझे मालूम है उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया है। इसको भी मैं बताऊंगा आपसे, मैं इसका भी हर दिन असेंबली में खड़ा होकर मैं इसका आवाज उठाऊंगा। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, चुनाव में हर कोई आश्वासन देता है कि लोगों को बताते हैं मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, लेकिन मुझे तो आज आपको पता नहीं है मेरा दिल में क्या है, मेरा प्रशासनिक तरीका क्या है आपको पता नहीं है। मुझे भी देखो क्या होता है, परिणाम क्या आता है,
ये भी एक बार देख के देखो। ये मैं जानता हूँ एसिस आप लोगों ने बहुत दिन पहले डिमांड कमिटी का एक मैंने सुना था, लेकिन बाद में ये भी मैंने सुना कि उस फाइल को किसी ने रुका गया है। ऐसा ऐसा बातें होते हैं, जितना भी समस्या है अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट पाता है सब समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसको आप लोग जोर लगाइए, मेरे से नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट बनाना, वो मेरे से नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट बनाना, आपको ही स्ट्रॉन्ग होना होगा, आपको ही आवाज उठाना होगा, नहीं तो अगर मैं अकेला लड़ूं तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं मानता हूं प्रयास आपका मजबूती जो है दिखाना होगा, मुझे असेंबली में खड़ा होकर इस बात को उठाने का मौका देना होगा। और मैं जानता हूँ अगर इस चीज को हम लोग सफलता मिलेंगे सब चीज आपका पैदा ही पैदा हो। मैं जानता हूँ जिसमें जनसंघ का काफी काफी है, तब कम है, काफी कम है तो बीबी डिस्ट्रिक्ट मिलता है, क्यों ना हम मिल सकते हैं, क्यों ना मेरा विधायक इस बात को असेंबली में उठाते हैं। आज तो मैंने नहीं सुना उनका, कम से कम असेंबली में खड़ा होके मेरा ये इलाका है इसमें इतना जनसंख्या है इसमें इतना लोग बसे हुए हैं, हमें एक डिस्ट्रिक्ट की आवश्यकता है, ये तो कम से कम बोलना चाहिए, ये कभी नहीं बोला। इसलिए इन बातों से आपको सतर्क रहना जरूरी है, बस के रहना जरूरी है। ये बहुत बड़ा एक वायरस है जिससे हमारा समाज को बर्बाद करने कर रहा है, समाज इसी चक्कर में बर्बाद हो रहा है। हमें समाज को एक ईमानदार समाज बनाने की जरूरत है, हमें समाज को एक ऐसा लीडर थे, बहुत विजनरी लीडर थे। दुर्भाग्य का बात यही था कि हम लोगों ने उनको मौका नहीं दिया। आप जानते हैं आप जितने भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, आप जितने भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, जब तक आप वो संविधानिक फोर्ट पे नहीं बैठेंगे आपका कोई अधिकार नहीं बोलने का अधिकार नहीं होता है। जब तक आप इस फोर्ट में नहीं बैठते इन लोगों को जो स्वर्गीय बाकेन प्रतिनिधि या तोमोरी बा, इन लोगों को हम लोगों ने मौका नहीं दिया। लेकिन मैं आज भी बोलना चाहता हूँ, मुझे मेरे हिसाब से और किसी का और से भी जो जो पद में बैठे हैं, चाहे वो प्रशासन हो चाहे वो सरकार हो, उन लोगों को का बात को ही मान्यता देता है। हम जितना भी आवाज उठाए और जब तक मुझे इस कुर्सी में नहीं बिठाएंगे मेरा आवाज सुनी नहीं जाती है। इसलिए आप लोग दिल से दिमाग से मुख से ईमानदारी से सच्चाई से हमें आपको बताया, शांति जो है सबसे बड़ा हथियार है इंसानियत में, इंसान में और इंसानियत में शांति शांति से ही हम समाज को आगे ले जा सकता है, इसी से ही हम दिल लोगों का दिल को जीत सकता है और इसी से ही हमें समाज को सेवा करना होगा। इसके साथ मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सुनिए और मैं मानता हूं दिल से मेरा दिल आज से कम नहीं है, मैं आपका साथ है और आप मेरे साथ में हैं, इसके लिए सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपर सियांग ट्रेवल ऑफ आज यहाँ 230 किलोमीटर से है, तो नोबंग जी का मीटिंग को आप सबको कंप्लीट दिखाया है और कंप्लीट सुनाया है और वीडियो को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में जरूर आप बताइएगा हमको। तो सभी को जय हिंद, आज 230 किलोमीटर में।